कविता मंजरी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के प्रमुख छायावादी कवियों की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इस क्रम में सुनते हैं प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्य से संकलित कविता ग्रामश्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चिर निर्मल नील फलक, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जाओ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हूं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर अमली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी तारक सपनों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता, जिसमें कवि ने प्रकृति के विभिन्न रंगों का वर्णन किया है। गांव एक ऐसी जगह है जिसमें भारत बसता है। क्या आपने कभी किसी गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव किया है? तो क्यों ना हम भी किसी गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का कविता रूप में वर्णन करें।